अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं हूँ सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है सजेशंस फॉर द लेक्चर मेथड, यानी कि लेक्चर मेथड को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। सबसे पहले कि प्लान लेक्चर, कि लेक्चर शुड बी केयरफुली प्लान्ड ऑन द फाइंस ऑफ अ डेवलपमेंट लेसन प्लान। एक अच्छा लेसन प्लान तैयार करने के लिए हमें लेक्चर को प्रॉपरली प्लान करना है कि हमने इसमें क्या टॉपिक है, किस तरह से डिलीवर करना है, कौन सा टीचिंग मेथड हमने इस्तेमाल करना है, एग्जाम्पल्स क्या देनी है, कौन से वियर्स का इस्तेमाल करना है। सो लेक्चर प्रॉपर प्लान करके हमें उसको प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स के सामने। अगला पॉइंट है बिल्ड अराउंड वन सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी कि द बेस्ट पेडागॉजिकल बेसिक्स फॉर गुड लेक्चर फॉर्मुलेशन इज टू पोज अ प्रॉब्लम, डेलिनेट द डिफिकल्टीज, प्रेजेंट अ सोल्यूशन एंड फाइनली एक्सप्लेन व्हाई इट इज द बेस्ट सोल्यूशन। यानी कि अगर आपने एक उसके लिए प्रॉब्लम ले लेना है, ठीक है, फिर आपने उसकी डिफिकल्टीज बतानी है, उसका सोल्यूशन आपने प्रेजेंट करना है और फाइनली आपने एक्सप्लेन करना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आया और इसका यही सोल्यूशन बेस्ट क्यों है, ठीक है। सिनॉप्सिस ऑफ द लेक्चर, यानी कि एक स्ट्रक्चर बना लें आप, कि उसकी तरतीब बना लें, आपने कौन सी चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज टू प्रिपेयर अ सिनॉप्सिस ऑफ द लेक्चर एज इट इज़ यूजफुल बोथ फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। सो इट अवॉइड्स पॉइंटलेस डिक्रेशंस, यानी कि जो पॉइंटलेस चीज़ें होती हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करने की या बात करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उस पर बासानी उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो इट विल सेव द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन ऑफ टेकिंग नोट्स। अब ये जो जब स्टूडेंट्स की जो डिस्ट्रैक्शंस होती है ना, इधर ध्यान बढ़ जाता है, वो चीज़ खत्म हो जाती है। सो इन दिस वे द टीचर टेक्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम अलॉन्ग विद हिम एज द स्टूडेंट्स नो द प्लान ऑफ द टीचर। यानी कि ये बहुत आसान हो जाता है एक टीचर के लिए अपने स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से लेकर चलना। जिस तरह से टीचर का एक प्लान होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मैंने स्टार्ट से लेकर पीरियड के एंड तक इस तरह से लेकर चलना है, तो वो टीचर इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज केयरफुल अबाउट द डिलीवरी ऑफ द लेक्चर, कि द टीचर मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द डिलीवरी ऑफ द लेक्चर, ही मस्ट स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। अब टीचर को क्या उसने केयर दिखानी है कि वो क्लियरली बोले और स्लोली बोलेंगे। बहुत तेज़ बोलने से और बहुत शार्प बोलने से स्टूडेंट जो है वो आपकी बात को कभी भी समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। सो ही शुड टॉक टू हिज स्टूडेंट्स रादर देन लेक्चर टू अ क्लास। अब जब वो टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा है तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो लेक्चर को इस तरह से प्रेजेंट करें कि स्टूडेंट्स ये समझें कि वो हमसे बात कर रहे हैं, कि आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। लेक्चर को लेक्चर के तौर पर ना पेश किया जाए ताकि वो बोरियत से स्टूडेंट्स को बचाया जाए। सो ही शुड टॉक टू हिज स्टूडेंट्स रादर देन लेक्चर टू अ क्लास। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ओकेजनल डेवलपमेंट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस टॉकिंग बाय द टीचर, लेक्चर शुड बी इंटरपर्स्ड विद ओकेजनल डेवलपमेंट क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। अब देखें होता है क्या है कि नॉर्मली टीचर्स जब स्टूडेंट्स को कोई भी लेक्चर प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो बस लेक्चर दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कर लें कि कुछ क्वेश्चंस को डेवलप कर लिया जाए, जिसमें कुछ क्वेश्चंस टीचर स्टूडेंट से पूछे और कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट अपने टीचर से पूछें, तो ये एक कम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि टीचर के लिए समझाना आसान हो जाता है, स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान हो जाता है। सो ओकेजन डेवलपमेंट क्वेश्चन इज़ द बेस्ट सजेशन फॉर बेस्ट लेक्चर मेथड। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमर, मतलब टोटली सीरियस एक टॉपिक को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ह्यूमर का उसमें टच देना बहुत ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट जो है ना उस टॉपिक के अंदर डेवलप कर सकें। बहुत सीरियस अगर नोट्स में हम उसको लेकर चलेंगे तो स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्द बोरियत का शिकार हो जाएंगे और वो क्या करेंगे जी के वो बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो बेहतर है कि स्टोरीज की सूरत में, कोई इंसिडेंट्स की सूरत में, मतलब चेंज करके टॉपिक को थोड़ा सा ना वो दिया जाए स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स उसमें अपना इंटरेस्ट को डिवेलप करें। सो यूज़ ऑफ एवियर्स इज द नेक्स्ट पॉइंट, सो देर शुड बी प्रॉपर यूज़ ऑफ एवियर्स इन द लेक्चर सच एज चॉक बोर्ड्स, मॉडल स्लाइड्स, मोशंस, पिक्चर्स। यानी कि प्रॉपर एवियर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और टीचर को पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक के हिसाब से कौन सा एवियर जो है वो बेस्ट है। और अब उसमें मॉडल्स भी हो सकते हैं, चॉक बोर्ड हो सकते हैं, स्लाइड्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हैं, ऑडियो विजुअल मटीरियल्स हो सकते हैं, मतलब जो उसके लिए पॉसिबल है ना स्टूडेंट्स को दिखाना वो ईजिली उनको दिखा दें। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन टेस्ट टू मैयर। अब सिर्फ लेक्चर देना जो है ना वो नहीं होता ज़रूरी, उसके लिए अब उसको टेस्ट लेना भी ज़रूरी है ताकि मेजर किया जा सके कि जो लेक्चर मेथड है वो किस हद तक कामयाब हुआ है, ठीक है। सो लेक्चर शुड ऑफन बी फॉलोड बाय अ रिटन टेस्ट टू मेजर द सक्सेस ऑफ द लेक्चर। सो द सक्सेस ऑफ एनी टीचिंग डिवाइस कैन बी नोन थ्रू द लर्निंग प्रोसेस।
ठीक है। अब लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट ने कितनी की है वहीं से पता चलेगा ना कि उस मेथड की कामयाबी कितनी हुई है। कोई भी मेथड अगर टीचर जो है उसको लेकर चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसकी सक्सेस जानने भी तो बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ द स्टूडेंट हैव लर्न्ड वेल, अगर स्टूडेंट ने सही याद किया सो या अच्छा पढ़ा, द लेक्चर इज सक्सेसफुल, तो लेक्चर सक्सेसफुल हो गया। और अगर नहीं, सो द टीचर कैन रिवाइज हिज मेथड्स, तो टीचर अपने मेथड्स को रिवाइज कर सकता है, चेंज कर सकता है, मज़ीद उसमें इन्वेंशंस ला सकता है, मज़ीद नई चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रेजेंटेशंस या चीज़ों की या पढ़ाई की तरफ वापस आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।